और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंद्रासिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस खूबसूरत दिन में एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट मेरे पास आया है। ये कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक मतलब मुझे सर्फिंग करते करते ये चीज मुझे मिला है एंड आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत यूजफुल रहेगा मेरे आने वाले राइड पे। एंड यस, दिस इज नॉट ओनली मोबाइल चार्जर, ये हर एक डिवाइस चार्ज कर सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसके साथ अपना क्या बोलता है उसको एयर कंप्रेशर जो होता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब भी आप अपना बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिवाइस रहेगा देन यू कैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये बहुत ही इजीली आपको यूज कर सकते हैं। तो चलिए झट से हम लोग देख लेते हैं। मैंने इसको अमेजोन से इसको ऑर्डर किया है, इसको मैं एक बार खोल के चेक कर लिया हूँ। सो ज़्यादा कुछ अनबॉक्सिंग में नहीं रहेगा। ये है, ये ऐसा एक डिवाइस है, दिस इज़ द डिवाइस। एंड इस प्रोडक्ट में हम लोग अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ मिलता है, इसका क्वालिटी कैसा है एंड इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल करेंगे हम वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अभी यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड ठीक से मतलब उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो जैसे भी हो, अभी चलिए ये है मेरा डिवाइस एंड अभी देख लेते हैं इसका कुछ फीचर्स वगैरह। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी चाइनीज प्रोडक्ट, मुझे बोल देना चाहिए पहले कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। अगर आपको पसंद है, बहुत ही ज़रूरत है तो ही आप इसको खरीद सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। तो अनबॉक्सिंग ऐसा कुछ होगा एंड यस, दिस इज व्हाट इट लुक्स। आई होप आपको ये पसंद आएगा। ये है एक ब्रैकेट, मतलब जो आपके हैंडल के ऊपर लगेगा, इसको पहले आपको हैंडल में फिक्स कर देना पड़ेगा एंड ताकि आपके हैंडल में कुछ क्या बोलते हैं कुछ डेंट वगैरह ये सब नहीं पड़े, कुछ दाग नहीं पड़े। तो इसको पहले आप अपने हैंडल पे ऐसे करके रैप कर लीजिए जितना चाहिए, बाकी काट के रख दीजिए, उसके बाद इसको ऐसे करके इसको लॉक कर दीजिए, दैट्स इट। ये एक प्लास्टिक का है, मेटल का दिया रहता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, पर चलिए अभी इसको हम साइड में रखते हैं। इसके साथ दिस इज द मेन प्रोडक्ट एंड इसके साथ कुछ आता है ये क्लैम वगैरह, जो हम लोग देख लेते हैं ये क्लैम में क्या क्या मुझे मिलता है। यस, दिस इज अ स्टील क्लैम्प, ये मेटल का दिया हुआ है पर मुझे बहुत अच्छा लगता ये वाला अगर मेटल का देता, पर चलिए क्या करें, अभी इसको साइड में रखते हैं। एक मेटल का क्लैंप, उसके साथ है दो फ्यूज, इसमें फ्यूज दिया हुआ रहेगा ताकि आपका हाई वोल्टेज हाई करंट में ये आपका डिवाइस खराब ना करे। उसके साथ ही कुछ स्क्रूज एंड बोल्ट्स, तो इसको मैं अभी साइड पे रखता हूँ, अभी मैं फोकस करता हूँ डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट। सो यस फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोडक्ट। ये है 12 वोल्ट, यहाँ से चार्ज होता है। ये है दो USB पोर्ट, 5 वोल्ट का दो USB पोर्ट। एक्चुअली मुझे यहाँ पर करंट कितना एम्स का आउटपुट आता है वो यहाँ पर लिखा नहीं रहता है, पर फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लूँगा और पॉसिबल रहेगा तो मैं उसको आपको स्क्रीन में इधर लिख के दे दूँगा कि कितना करंट है और या फिर लगभग कितना टाइम लगता है ये चार्ज होने में। सो कितना टाइम लग रहा है इसको चार्ज होने में। एंड यस, ये है 5 वोल्ट, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्विच दिया गया है एंड एज पर अभी जब इसको यूज करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ लाइट वगैरह है, जब मैं कनेक्ट करूँगा उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे। एंड यस, दिस इज द मेन सिगरेट लाइटर पोर्ट। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रोबस्ट मतलब इसका क्वालिटी है। एंड ये देख पा रहे हैं ये वाटरप्रूफ है, 100% वाटरप्रूफ नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो
इसको थोड़ा प्लास्टिक वगैरह से इसको रैप करके रखिए जब आप यूज कर रहे हैं, या इनकेस अगर आप लोग बारिश में इसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो खुला छोड़ दीजिए। ये डस्ट प्रूफ भी है, इधर अंदर से कुछ डस्ट वगैरह जाएगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दो यूएसबी पोर्ट है, अगर आपके पास कार चार्जर रहेगा तो आप इसको वहां पर लगा के फिर से दो या तीन आउटपुट यहाँ से निकाल सकते हैं। And you can definitely charge as many device as you can. Maximum, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास SJ Cam है, SJ 6 Legend है, और उसका मेरे पास दो extra batteries है, उसके लिए मुझे एक port जरूरत रहता है, दो battery एक साथ मेरा charge हो जाता है। अगर आप लोग वो video नहीं देखे हैं तो I will show, give you the link below, you can see it over there. So, अभी देख लेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, इसको मैं बैटरी में कनेक्ट करूंगा। हाँ, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक फ्यूज, यह है मेरा पॉजिटिव साइड, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस जहां से आ रहा है वहां से एक फ्यूज दिया गया है। ये फ्यूज के लिए मुझे एक्स्ट्रा दो फ्यूज यहाँ पर भी दिया गया है, अगर ये इनकेस उड़ जाता है हम लोग इसको लगा के चला सकते हैं अपना डिवाइस। एक बहुत ही सेफ्टी फीचर्स दिया है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत ही एक अच्छा कपलर दिया हुआ है, और ये कपलर मेरा डायरेक्ट बैटरी के साथ वहां पर कनेक्ट हो जाएगा, पर आपको एक एक्स्ट्रा कपलर ऐसे ही दुकान से खरीद के बैटरी से उसका कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इसको कुछ लूज कनेक्शन करके अभी इसको चेक करेंगे कि ये डिवाइस कैसे चार्ज होता है, कैसे देखता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस अभी आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए, सो यस अभी मैं अपना गैरेज सेक्शन में आ चुका हूँ, एंड लेट मी शो यू, अभी मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, और इसको कनेक्शन के लिए मैंने ऐसा कुछ दोनों वायर लिया हूँ, मुझे दोनों दो अलग टाइप अलग कलर का लेना चाहिए था, पर अभी मेरे पास है नहीं, तो फिलहाल इसे ही मैं काम चला रहा हूँ। एंड यस, लेट मी शो यू हाउ टू कनेक्ट, एंड सबसे उससे पहले हाउ टू कनेक्ट, मैं इसको अभी अपना डोमिनर में इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्विस अभी तक हुआ नहीं है, और मुझे शोरूम से अभी बोला गया है कि अभी कुछ इंस्टॉल मत कीजिए, तो मैं अपना डोमिनन में अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे पास ये एक ग्लैमर है, तो इसमें भी नहीं करूँगा, अभी बहुत झंझट है क्योंकि इसका सीट ओपन करना पड़ेगा एंड स्क्रूज। सो यस, ये है मेरा डोमिनर, और ये है मेरा RS, एंड दिस इज़ माय डिस्कवर। सो फिलहाल अभी मैं इसको अपना डिस्कवर में लगा के देखता हूँ ये कैसे काम करता है क्या नहीं, तो जस्ट स्टे होल्ड, मैं अभी इसको सीट रिमूव करता हूँ, देखता हूँ इसको कैसे, एक्चुअली मुझे इसका बैटरी टर्मिनल चाहिए, दैट्स ऑल, जस्ट होल्ड ऑन। सो प्राइमरली मैं अभी इसका सीट रिमूव कर रहा हूँ, इसका साइड पैनल मैं पहले इसको रिमूव करूँगा, इसका ये वाला पोर्शन, अभी इसका ये है इसका बैटरी टर्मिनल, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका सीट भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यार इसका सीट यहाँ से रिमूव होता है, कहीं और से नहीं, इसका सीट मैंने रिमूव कर दिया, जितना भी R&D होता है जो भी होता है मैं सब यहाँ पर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा रेड वायर जो है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, अभी मैं एक वायर पॉजिटिव से ले रहूँगा, एक वायर मैं नेगेटिव से लूँगा, तो मैं जस्ट से इसका वायरिंग करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, जस्ट होल्ड ऑन। सो एज सिंपल एज दिस, मैंने एक पॉजिटिव वायर्स यहाँ से निकाला, एक नेगेटिव यहाँ से निकाला, और दोनों को दो साइड में रखा हूँ, एक इधर एक इधर, अभी मैं इसको कनेक्ट करना वाला हूँ
इससे पॉजिटिव जाएगा ये रेड में एंड नेगेटिव जाएगा ये ब्लैक में। सो यस, दिस इज द कनेक्शन, मैंने अभी इसको टेम्पोरली कनेक्ट किया हूँ। बी वेरी मच श्योर कि आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव टच ना हो जाए, और टच हो जाएगा तो दिक्कत है, आपका बैटरी नष्ट हो सकता है। एंड यस, दिस इज द क्या बोलता है, इसका स्विच का लाइट देखिए, ये है एक ब्लू कलर का एलईडी इंडिकेटर। एंड ओवरऑल द प्रोडक्ट लुक्स सो गुड एंड आई रियली लव दिस वन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू स्टार्ट योर इंजन। यार इसको डायरेक्ट बैटरी से ज्वाइन ना करके आप एक काम कर सकते हैं, आप इग्निशन से भी इसको ले सकते हैं। एंड जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा अब मेरा डोमिनर पे, एट दैट टाइम आई विल मेक अनदर वीडियो। सो अगर आपको ये पसंद है, ये आप ख़रीदना चाहते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहाँ से जाके अमेजोन से इसको ख़रीद सकते हैं। और कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। इसको पहले मैं ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं इंजन ऑफ करूँगा।